हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लोग सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने हाइड्रोजोआ के बारे में पढ़ा, देन नेक्स्ट वीडियो में हमने साइफोजोआ के बारे में पढ़ा, एंड थर्ड वीडियो में हम इसकी फाइनल क्लास को डिस्कस करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे और उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। एंड द थर्ड क्लास इज एंथोजोआ क्लास, थर्ड इज एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। एंथोजोआ के बारे में हम देखते हैं, दे आर मेराइन एक्सक्लूसिवली मेराइन, मेराइन फॉर्म में होते हैं। ये पूरी तरह से समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एंड दे आर सॉलिटरी, दैट मीन्स अकेले भी मिल सकते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ओके, दे मे बी सॉलिटरी और सॉरी फॉर दैट दे मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल, दोनों फॉर्म में पाए जा सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, समूह में भी हो सकते हैं। लाइफ साइकिल only include polyp stage, life cycle में सिर्फ polyp stage होगा, medusa stage नहीं होगा। polyp stage, medusa stages absent, ओके, सिर्फ पॉलिप स्टेज होगा और मेड्यूसा स्टेज जो होगा वो एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा आपके एंथोजोआ में। थर्ड अपन देखते हैं तो मेसोग्लिया जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में होता है। मेसोग्लिया इज इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मेसोग्लिया जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में पाया जाता है एंथोजोन्स में। फोर्थ अपन देखते हैं जो गोनैड्स हैं इनके, मतलब गोनैड्स मतलब गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। गोनैड्स जो है वो एंडोडर्मल होते हैं। इंटरनल लेयर जो है, इंटरनल जर्मिनल लेयर, उससे डेवलप्ड होते हैं गोनेट्स, आर एंडोडर्मल। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता, नो ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ओके, नो ट्रू alternation of generation, सिर्फ पॉलिप स्टेज है, मेड्यूसा स्टेज नहीं है, इसीलिए दोनों होंगे तभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो पाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म मोस्टली सिक्रीट्स, एक्टोडर्म मोस्टली सिक्रीट्स एंड एक्सोस्केलेटन। एक्टोडर्म जो है वो एक एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ओके, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर केराटिन का। एक्टोडर्म मोस्टली सिक्रीट एंड एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और केराटिन, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है कि अब इनके माउथ के पूरे बाहरी साइड में ना टेंटिकल्स पाए जाते हैं। माउथ हैविंग टेंटिकल्स, ओके, और टेंटिकल्स क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, 6 to 8 मल्टीपल
मोस्टली 6 to 8। ओके, तो ये थे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास एंथोजोआ के। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसके अंडर में कौन कौन से सब क्लासेस और कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं। ओके, तो अगर जब एंथोजोआ की बात करते हैं तो एंथोजोआ के अंदर 2 सब क्लासेस आते हैं। ओके, एंथोजोआ 2 सब क्लासेस में, क्लास एंथोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। फर्स्ट इज एलायोनीरा, फर्स्ट इज एलायोनेरिया एंड सेकेंड इज एक्टिनेरिया। एलायोनेरिया और एक्टिनेरिया, इन दोनों की क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। एलायोनेरिया के बारे में आप देख लो, ये जो है कॉलोनियल एनिमल्स होंगे। सेकेंड पॉलिप्स हैविंग 8 टेंटिकल्स, पॉलिप्स में 8 टेंटिकल्स होंगे। नेक्स्ट अपन देखें तो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट। तो एलायोनेरिया में कॉलोनियल एनिमल्स, पॉलिप्स हैविंग 8 टेंटिकल्स, 8 टेंटिकल्स होंगे इनके पॉलिप्स फेस में और एंडोस्केलेटन वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अपन देखें एक्टिनेरिया, इसकी अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन एलायोनेरिया की क्लासिफिकेशन देखते हैं, इनके अंडर कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं। एलायोनेरिया की बात करें तो इसके अंदर टोटल 6 ऑर्डर्स आते हैं, डिवाइडेड इनटू 6 ऑर्डर्स। ओके, ये 6 ऑर्डर आते हैं। अब इन 6 ऑर्डर्स के बारे में देखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा बोर्ड। 6 ऑर्डर आते हैं। फर्स्ट अपन देखें स्टोलोनीफेरा, स्टोलोनीफेरा, स्टोलोनीफेरा हो गया पहला ऑर्डर एलायोनेरिया का। अब यहाँ पे स्टोलोनीफेरा का एग्जांपल देख लो, ट्यूबीपोरा, एग्जांपल इज ट्यूबीपोरा। सेकंड इज टेलेस्टेसिया, सेकंड इज टेलेस्टेसिया, टेलेस्टेसिया एंड देयर एग्जांपल, देयर एग्जांपल दैट इज टेलेस्टो। ओके, एग्जांपल इज टेलेस्टो। थर्ड अपन देखते हैं थर्ड ऑर्डर, दीज आर द ऑर्डर्स। थर्ड ऑर्डर अपन देखें तो थर्ड ऑर्डर इज एलियोनिसा या एलियोनिका, एलियोनिसा है थर्ड इनका ऑर्डर, एलियोनिसिया एंड इसका एग्जांपल आप लिख लो। एलियोनिसिया का एग्जांपल होगा आपके ज़ेनिया, लिखो ज़ेनिया, एलियोनिसिया का एग्जांपल ज़ेनिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इज, फोर्थ वन अपन देखते हैं कोइनो, कोइनोथेलिया, कोइनोथेलिया। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं हेलिपोरा, एग्जाम्पल इज हेलिपोरा कॉर्नोथेलिया का, कॉर्नोथेलिया का हो गया आपका हेलिपोरा। नेक्स्ट अपन देखते हैं गॉर्गोनेसिया, गॉर्गोनेसिया इसका एग्जाम्पल आप लिख लो कोरेलियम, गॉर्गोनेसिया का एग्जाम्पल कोरेलियम। एंड फाइनल वन सिक्स्थ ऑर्डर ऑफ सब क्लास एलायोनेरिया का लास्ट जो है वो है पेनाटुलेसिया और इसका एग्जांपल होगा पेनाटुला।
पेनेटोलेसिया का एग्जांपल पेनेटोला। ओके सो दीज आर द सिक्स ऑर्डर्स ऑफ सब क्लास एलाइगोनेरिया। अपन नेक्स्ट देखते हैं जहां पे अपन को जूएंथेरिया के बारे में पढ़ना है और उनके अंडर कितने ऑर्डर्स आते हैं उनको डिस्कस करना है। नाउ वी कैन मूव ऑन जूएंथेरिया। सबक्लास जूएंथेरिया। जूएंथेरिया की बात करें, जूएंथेरिया जो होता है वो सॉलिटरी भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, कॉलोनियल और सॉलिटरी। आई थिंक मैंने एक जगह जूएंथेरिया की जगह इसके ऑर्डर के बारे में लिख दिया, आप उसको चेंज कर लेना। दैट इज जूएंथेरिया, सब क्लास इज जूएंथेरिया नॉट एक्टिनेरिया। आई थिंक मैंने गलती से एक्टिनेरिया लिख दिया था, तो जूएंथेरिया इज द सब क्लास। सब क्लास जूएंथेरिया कॉलोनियल हो सकता है, सॉलिटरी मतलब ग्रुप में भी मिल सकता है, अकेला भी पाया जा सकता है। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट। ओके कॉलोनियल सॉलिटरी दोनों फॉर्म में पाया जाता है। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम स्पाइक्यूल्स एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम स्पाइक्यूल्स। ओके कैल्शियम स्पाइक्यूल्स के बने होंगे, इनको टोटल फाइव ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फाइव ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फिर से बोल रहा हूँ जूएंथेरिया होगा सब क्लास, मैंने शायद एक बार कहीं लिख दिया होगा एक्टिनेरिया, उसको रख करके मिटा के जूएंथेरिया लिख लेना। ओके अब इनके जो फाइव ऑर्डर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो एक्टिनेरिया है वो इसका फर्स्ट ऑर्डर है। एक्टिनेरिया इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ जूएंथेरिया। ओके सो फर्स्ट ऑर्डर इज एक्टिनेरिया। एक्टिनेरिया इज द फर्स्ट ऑर्डर। नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिनेरिया का जो एग्जांपल है, आप एग्जांपल लिख दो एक्टिनिया। एक्टिनिया इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिनेरिया। सेकंड इज मैड्रिपोरिया। सेकंड इज मैड्रिपोरिया और इसका एग्जांपल आप लिख लो फंजीरा या फंजिया। एग्जांपल इज फंजिया या मिंड्रियम। मिंड्रियम भी आप लिख सकते हो। थर्ड अपन देखते हैं, थर्ड ऑर्डर इज जूएंथेरिया। थर्ड ऑर्डर इज जूएंथेरिया एंड द एग्जांपल इज जूएंथेरिया इज जूएंथस। Example is Zoanthus. These are the three orders. Now the fourth one, the fourth order is Antimatheria. Antimatheria. The example of Antimatheria is Antipathis. And the last order is fifth one is Serianthera. Last one is Serianthera and the example is Serianthus. So this was the basic classification of subclass Actinaria. आपने यहाँ पे एंथोजोआ को पढ़ लिया, हमने हाइब्रोजोआ साइक्रोजोआ पहले ही डिस्कस कर दिया था और यहाँ हमारा एंथोजोआ भी खत्म हो गया है। जो क्लासिफिकेशन है सिलेंट्रेटा की वो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गई है। हमने सारे कैरेक्टर्स देख लिए और हमने सारे क्लासिफिकेशन भी देख लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।